आज का क्यूजर सौर मंडल से। तो आप लोग सभी लोग जो भी इस वीडियो को देखेंगे सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर वन में बोला है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बही मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बही मंडल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन हो जाएगा बी, समताप मंडल। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर टू, टू में बोला है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर टू का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल क्षोभ मंडल है। आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री में बोला है सूर्य का समीपतम ग्रह, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? बुध, मंगल, प्लूटो, वरुण। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। क्वेश्चन नंबर थ्री का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर में बोला सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, वरुण, शनि। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह आपका हो जाएगा वरुण। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव में बोला है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? सौर मंडल में कौन सा सबसे अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? शुक्र, शनि, बुध, प्लूटो। आपका हो जाएगा शुक्र। क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिक्स में बोला है रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। क्वेश्चन नंबर सिक्स का ऑप्शन हो जाएगा ए, मंगल। रात्रि के समय मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में बोलता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपका हो जाएगा तत्व ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सेवन का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर एट, एट में बोला है सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति। तो क्वेश्चन नंबर एट का हो जाएगा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का 67 है, शनि का 62। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन में बोला है हमारा सौर मंडल कौन से आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सौर मंडल कौन से आकाश गंगा में है? तारा मंडल, मंदाकिनी, एरावत, पथ, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर नाइन का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदाकिनी। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है, जिसे मिल्की वे या युद्ध मेखला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर टेन, टेन में बोला है भोर का तारा किसे कहा जाता है? भोर का तारा किसे कहा जाता है? बृहस्पति को, मंगल को, शुक्र को, बुध को। तो आपका भोर के तारा कहा जाता है शुक्र के। क्वेश्चन नंबर टेन का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में बोला है आकाश गंगा में सबसे चमकदार है। आकाश गंगा में सबसे चमकदार तारा कौन है? प्रोक्सीमा सेंचुरी, बर्नार्ड, नेबुला, साइरस। आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा कौन है? क्वेश्चन नंबर इलेवन। आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा आपका हो जाएगा साइरस। क्वेश्चन नंबर इलेवन का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व में बोला है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सोयूज, मैगलान, पाथफाइंडर, वाइजर। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? सोयूज, मैगलान, पाथफाइंडर, वाइजर वन। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइजर वन। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, थर्टीन में बोला है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है?
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका जगह ऑप्शन सी शनि, टाइटन आपका शनि का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला बिना उपग्रह वाला ग्रह, बिना उपग्रह वाला कौन है? बुध, शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह आपका हो जाएगा बुध, शुक्र दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा बुध, शुक्र दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, मंगल। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह आपका हो जाएगा चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या कितना है? अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या कितना है? 89, 74, 60, 55। अंतरिक्ष में तारा मंडल की कुल संख्या है 89, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? सूर्य का सबसे निकट तारा कौन है? प्रोक्सीमा सेंचुरी, नेबुला, संतोषी या बनाड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोक्सीमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा आपका हो जाएगा प्रोक्सीमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 10%, 71%, 0.03%, 5%। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 0.03%, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बरही मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बरही मंडल, वायुमंडल के सबसे बाहरी ऊपरी परत को कहते हैं बरही मंडल। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 1.3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8.3 मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1.3 सेकेंड, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 20 दिन, 27.3 दिन, 18 दिन, 25 घंटा। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 27.3 दिन, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, मौसमी घटना क्षोभ मंडल, मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है वायु है, वायु क्या है? ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। वायु क्या है? ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गैसों का मिश्रण, वायु गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है, पराबैंगनी किरणें हमें किस चीज से रक्षा करती है? पराबैंगनी किरणें से हमें रक्षा कौन करती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस।
परावैज्ञानिक किरण समय रक्षा कौन करती है? नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन। परावैज्ञानिक किरण समय रक्षा करती है ओजोन गैस। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका जगह ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, मंगल को। नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका जगह ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहता है? पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहता है? शुक्र को, बुध को, शनि को, बृहस्पति को। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बुध को, शनि को या बृहस्पति को। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा बहन या जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र को। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? पृथ्वी, मंगल, शनि, इनमें से कोई नहीं। किस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है? पृथ्वी, मंगल, शनि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी मंगल। मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के वायुमंडल नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, बृहस्पति, नेपच्यून। पृथ्वी, नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? मंगल, बुध, पृथ्वी, नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका जगह ऑप्शन डी नेपच्यून। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम उगता है? किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम उगता है? वरुण, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? वरुण, चंद्रमा, शुक्र, मंगल। शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम उगता है क्योंकि शुक्र ग्रह पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है जिसके कारण शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम को उगता है। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है वला युक्त ग्रह है। वला युक्त ग्रह कौन है? बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। वलय मतलब रिंग युक्त ग्रह कौन है? बुध, शनि, मंगल, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी शनि। वलय युक्त ग्रह आपका शनि हो जाएगा। शनि ग्रह पर वलय पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करती है? ध्रुव तारा किस दिशा की ओर इंगित करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ध्रुव तारा किधर संकेत करती है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्रुव तारा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारा और सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, इनमें से दोनों या कोई नहीं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तारों एवं सूर्य के ऊर्जा का स्रोत आपका हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला है कि नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की? गैले ने, गैलीलियो ने, केपलर ने, न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 34 नेपच्यून की खोज किसने किया? गैले, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन। नेपच्यून की खोज किया था गैले ने। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका जगह ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? मनुष्य ने पहली बार किस पर चांद पर किस वर्ष कदम रखा? 1963, 1965, 1969, 1972। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? 1963, 1965, 1969, 1972। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1969। मनुष्य ने पहला बार 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखे थे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला,
लाल सफेद काला। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला लाल सफेद काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग आपका काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन, 8000 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिएगा, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 केल्विन, 7000 केल्विन, 2000 केल्विन, 8000 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 6000 केल्विन। सूर्य के सतह के तापमान 6000 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? नेबुला, डिमोस, टाइटन, साइरस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? नेबुला, डिमोस, टाइटन, साइरस। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका हो जाएगा डिमोस। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, डिमोस। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला है क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह किस पर स्थित है? बुध शुक्र के बीच, मंगल बृहस्पति के बीच, मंगल और बुध के बीच, बुध और बृहस्पति के बीच। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन हो जाएगा अभी, मंगल और बृहस्पति के बीच, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कितना है, कैसे है? पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम से पूरब। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करता है, जिसके कारण सूर्य का उदयोदय पूरब की ओर होता है।